गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर से हम नाना क्लासेस की पुस्तक राजस्थान करंट अफेयर्स अर्धवार्षिक जनवरी से जून 2023 का रिवीजन हमारा लाइन बाय लाइन चल रहा था। तो आज हमारा जो है मई मंथ का पार्ट नंबर टू आ चुका है, जिसमें प्रश्न संख्या आपको 18 से 24 तक मिलने वाला है। इससे पहले हमने जून कवर कर लिया है, मई का पार्ट फर्स्ट दे दिया और मई का पार्ट टू आ चुका है, यानी प्रश्न संख्या आपको दे दी जा रही है। डेली आप पहले प्रश्न संख्या को, जिनके पास विद्यार्थियों के पास बुक है, बुक अच्छी तरीके से प्रश्न संख्या को पढ़े, उसके बाद इसका फिर से मेरे साथ जुड़कर रिवीजन करें। और जिन विद्यार्थियों के पास पुस्तक नहीं है, वो इन वीडियो के माध्यम से इस पुस्तक का अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन और फैक्ट दोनों साथ में दिए जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आरएस एग्जाम के लिए, सेकेंड ग्रेड, संगणक भर्ती, जूनियर अकाउंटेंट और सूचना सहायक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आपको लगभग जनवरी से जून तक का पूरा डाटा यहाँ से फैक्ट व क्वेश्चनों के साथ मिल जाएगा, तो एग्जाम में लगभग 6 मंथ के करंट ही पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। देखिए आज की हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, पुणे में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान एथलेटिक्स टीम के मैनेजर कौन थे? वो थे शंकर चंदेरिया थे। ठीक है, क्या थी? पुणे में आयोजित हुई थी कौन सी? अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान एथलेटिक्स टीम के मैनेजर कौन थे? उसमें थे शंकर चंदेरिया। अगले हम फैक्ट की बात करते हैं कि पुणे में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान एथलेटिक्स टीम के मैनेजर भीलवाड़ा के शारीरिक शिक्षक शंकर चंदेरिया थे। देखिए नोट में क्या लिखा है, शिव सर के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में राजस्थान की शारीरिक शिक्षक सारिका यादव ने एथलेटिक यानी लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता, स्वर्ण रजत कांस्य, इनमें देखिए राजस्थान टीम के मैनेजर शंकर चंद्रिया थे। ठीक है, स्वर्ण रजत कांस्य इनमें थे और स्वर्ण रजत और कांस्य इनमें थे। ठीक है, इनमें राजस्थान की टीम के मैनेजर कौन थे? शंकर चंदेलिया। शिव सर के द्वारा आपको डेली जो है 8 बजे लाइव करंट अफेयर्स की डेली क्लास आती है, जिसमें डेली में ये पूरा का पूरा डाटा आपको जितना जो क्वेश्चन बन रहे हैं क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट बताया जाता है। आपका बहुत बार रिवीजन हो जाता है, तो इतना फैक्ट आपको कोई नहीं देता है, क्योंकि फैक्ट में से ज्यादा जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेली शिव सर की क्लास देखें। अगला है, बीट्स पिलानी की टीम को किस देश की अंतरिक्ष संस्था के द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया था? अवार्ड प्रदान किया गया था तो अमेरिका को। किसके द्वारा? बीट्स पिलानी की टीम को। ठीक है, तो अंतरिक्ष संस्था के द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया था अमेरिका को। बीट्स पिलानी के विद्यार्थियों ने मंगल ग्रह के लिए विशेष रोवर तैयार किया है। इसके लिए अमेरिका की नासा अंतरिक्ष कंपनी ने नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेस रोवर चैलेंज अवार्ड प्रदान किया है। बीट्स पिलानी की टीम को एशिया में पहला और विश्व में 12वां स्थान मिला था। बीट्स पिलानी की टीम इंस्पायर्ड क्वार्टर्स ग्रेविटी ने प्रोजेक्ट रिव्यू अवार्ड में एशिया में पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बस ड्राइवर जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वो थे सियाराम चौधरी। देखिए किसके द्वारा? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। वो आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब होती है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है बार बार, इसकी स्थापना कमेंट बॉक्स में बताएं। और बस ड्राइवर जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिला था? हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वो थे सियाराम चौधरी। देखिए मुख्य तथ्य, राजस्थान मुख्य राज्य पथ परिवहन निगम के बस ड्राइवर सियाराम चौधरी को राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार अपनी सेवा के दौरान पूर्ण रूप से दुर्घटना मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदान किया गया। इस सम्मान के लिए वे देश भर से 42वें ड्राइवर को चुना गया था। तो ये आपको याद रखना है, और मैंने क्वेश्चन पूछा था इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में मई 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने ईट राइट स्टेशन, ईट राइट स्टेशन से संबंधित पीटीई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आरएएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ये का दर्जा किसको दिया गया? बीकानेर को दिया गया था। देखिए मई 2023 में उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया। इससे पहले जयपुर, गांधीनगर, अलवर, अजमेर,
रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया। इसी बुक के अंदर आपको जो भी पीटीए के अंदर, रीट के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर, पीछे फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए करंट है, वो भी आपको इस बुक के अंत में मिलेंगे। हम उनका भी रिविजन करेंगे। इससे पहले जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करें तो उन क्वेश्चनों को एक बार जरूर पढ़ के जाएं अगर आपके पास बुक है तो। आगे हम बात करते हैं क्या ये सस्टेनेबल टूरिज्म थीम पर 14 से 16 जुलाई 2023 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का ये मोस्ट कर लेना, हो सकता है एग्जाम में पक्का छप जाए। ये जयपुर में किया जाएगा। जयपुर में 14 से 16 जुलाई के बीच राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के लिए अवसर, नए अवसर खोलने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से प्रस्तावित इस आयोजन के लिए पर्यटन विभाग, फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म के बीच समझौता यानी AMU हस्ताक्षर हुए हैं। अगला है, देखिए मुख्य तथ्य की बात करें, अगला प्रश्न हमारे रह गया या फिर यही है, ठीक है। इसका तथ्य देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अलवर के CRPF असिस्टेंट कमांडेंट पद पर तैनात सत्येंद्र सिंह यादव को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? वो है शौर्य पदक से सम्मानित किया गया है इनको, सत्येंद्र सिंह यादव को। इसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ये किस पद पर तैनात है? तो अलवर की है, CRPF असिस्टेंट कमांड पद पर। देखिए निबराना के पास, मुंडावर उपखंड क्षेत्र के पास भीखावास निवासी CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट पद पर तैनात सत्येंद्र सिंह यादव को दिल्ली में राष्ट्रपति ने शौर्य पदक से सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तैनात असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र सिंह को 28 जून को आतंकियों से मुठभेड़ हो गई थी। मुठभेड़ में सत्येंद्र सिंह को 2 गोलियां भी लगी, इसके बावजूद उन्होंने 2 लश्कर के आतंकवादियों को मार गिराया। अब जो है, जो भी सेना है वो अपना साहस शौर्य दिखा रही है। अब जो युवा साथी अब जो सेना में जा रहे हैं उनका युवा जो है साहस है वो अब दिख रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना, आपको इन्हें शौर्य पदक दिया गया है। आगे बात करते हैं हम, अगला है, 13 मई 2023 को किस जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया? ये याद कर लेना है आपको, मेगा जॉब फेयर कब किया गया? 13 मई 2023 को, तो सवाई माधोपुर के अंदर। हो सकता है आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में जो है अभी से जून मई का भी करंट डाल दे, इसलिए जून से हमने स्टार्ट किया है, जून मई अप्रैल उसके बाद हम रिविजन करते जाएंगे। सवाई माधोपुर में 13 मई 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। अब 2 दिन आपको जो है, 1 दिन आपको क्लास नहीं मिल पाई क्योंकि शिव सर की जो वहाँ एपिसोड क्लास थी उसमें हम व्यस्त थे। हमने वो PDF तैयार की, लगभग 700 स्लाइड थी, उसमें लगभग 5 घंटे की वो क्लास थी, इसलिए हमने हमें टाइम लगा और सर का हैप्पी बर्थडे था इसलिए हमें 1 दिन जो है इसमें वो क्लास नहीं दे पाई। इसी के साथ हम आपको आज फिर क्लास दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा की, रूपाला में जनता क्लिनिक अप्रैल 2023 में कहाँ शुरू की गई? तो श्री गंगानगर। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग कहाँ बनाया जाएगा? तो जयपुर के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। देखिए कुछ तथ्य है, राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर यूथ हॉस्टल का कहाँ बनाया जा रहा है? तो जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। 21 अप्रैल 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? तो अजमेर को किया गया था। अखिल भारतीय खुला विश्वविद्यालय कुलपति सम्मेलन अप्रैल 2023 में आयोजित कहाँ किया गया? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंदर। किस जिला में स्थानीय प्रशासन ने पंचायती राज विभाग के कार्य को ई फाइल के जरिए पेपरलेस करने की योजना लागू की है? तो श्री गंगानगर, ठीक है। तो ये जो है शिव सर के द्वारा आपको जो भी पीछे करंट के क्वेश्चन बनते हैं यानी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट दिया जाता है, तो आप इस बुक का अच्छे तरीके से पढ़ें, इसे रट्टा ना करें, इस क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन के अंदर हमारे लिए जो लाभ है उस तरीके पढ़ें कि हमें इस योजना से, इस हॉस्टल से, एक्सेलेंस से क्या लाभ होगा। आपको मैं कहता हूं जल्द ही जल्द क्वेश्चन याद हो जाएगा। आप ऐसे सोचिए कि हमारे लिए इसमें क्या लाभ है, सरकार ने ये हॉस्टल खोला है, सेंटर खोला है, तो इसमें हमारे लिए क्या लाभ होगा या सरकार के लिए क्या होगा, अर्थव्यवस्था में इसका क्या लाभ होगा। अगर आप करंट को इस तरीके से पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। रट्टा फिकेशन मत करें, रट्टा फिकेशन से कुछ नहीं याद होगा। देखिए 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया? नाथ द्वारा राजकोट के अंदर, ठीक है। तो देखिए ये पूरा दिया गया तो आपको पूरी डिटेल भी मिल जाती है, अगर आप डिटेल याद कर लेते हो
जब भी आप फैक्ट या पढ़ते हो तो पूरा फैक्ट में से हमें कहानी पूरी हम कहानी पढ़ते हैं तो उस कहानी में हमें क्या है ट्विस्ट जो है पता चल जाता है कि इस कहानी में क्या था। इसी प्रकार शिव सर के द्वारा जो प्रश्न दिया जाता है उस प्रश्न से सारा तथ्य दिया जाता है ताकि बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ पाए। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास नाथ द्वारा राजस्थान में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी 2023 को भीलवाड़ा के मालासेरी डूंगरी भगवान देवनारायण जी की 1111वीं जयंती पर पहुंचे थे। ये अब आपको याद रखना है इनकी कौन सी जयंती बनाई गई थी, ये आरएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है या आपके आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। तो देवनारायण जी का मंदिर है एक तो आपको याद रखना है असीत भीलवाड़ा के अंदर, और मालासेरी डूंगरी भगवान देवनारायण जी की 1111वीं जयंती भी बनाई गई थी भीलवाड़ा के अंदर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को दौसा के धनवाड़ में देश की सबसे लंबी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का पहले खंड जनता को समर्पित किया था। और जितने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो उद्घाटन किए गए थे शिव सर ने यहाँ पे एक ही स्लाइड में डाल दिए ताकि आपको बाहर नहीं जाना पड़े। अगला है राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा सिनेमा ऑन व्हील्स एक अभिनव पहल शुरू की गई है, यह किस वर्ष प्रारंभ की गई थी 2020 में। राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा सिनेमा ऑन व्हील्स एक अभिनव पहल है, शुरुआत इसकी 2020 में हुई थी, शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा की गई थी। इस पहल के माध्यम से शिक्षा अभियान के तहत राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण प्रवेश के छात्र छात्रों को सिनेमा के जरिए ज्ञान विज्ञान स्वास्थ्य स्वच्छता और उच्च नैतिक मूल्यों का संदेश दिया जा रहा है। ये 2020 में खोले गए थे सिनेमा ऑन व्हील्स, ये भी आपको याद रखना है। अगला है देखिए मुख्य प्रश्न की बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी पंडित नवल किशोर शर्मा का की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो वो किया जयपुर में। आपको इस बुक में स्पेशल जितना भी जयपुर और जोधपुर का करंट बन रहा है स्पेशल दिया जा रहा है, कोई भी बुक में नहीं मिलेगा और किसी के द्वारा नहीं करवाया गया। स्पेशल शिव सर ने कहा कि हमारी राजधानी है जयपुर और इसके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। जयपुर में स्वतंत्रता सेनानी गुजरात के पूर्व राज्यपाल पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सब नवल किशोर शर्मा को एक सक्रिय व जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। पंडित शर्मा ने राजस्थान स्वर्ण जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष के रूप में स्वाधीनता सेनानियों के इतिहास लेखन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। 2004 से 2009 गुजरात के राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सब नवल किशोर शर्मा जो है गुजरात के राज्यपाल भी रह चुके हैं 2004 से 2009 तक। आगे देखिए, प्रदेश में पशुओं के चिकित्सा सुविधा के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर किस मोबाइल वेटनरी सेवा की शुरुआत की जा रही है, तो 102 वेटनरी सेवाओं की शुरुआत की जा रही है। राज्य में अब 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर जल्द ही 102 मोबाइल वेटनरी सेवा शुरू होगी। इसके तहत पशुपालकों को उनके पशुओं का इलाज समय पर उनके घर पर ही मिल सकेगा। देखिए अगला है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है, तो योजना से संबंधित आपको पता है पक्का एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना किसका है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ दिसंबर 2019 को किया गया जो 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी। अब आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ दिसंबर 2019 में किया गया। इसका उद्देश्य राज्य में उद्यम स्थापित करने को प्रोत्साहित करना तथा समाज के सभी वर्गों को नौकरी के अवसर भी प्रदान करना। देय ऋण की बात करें, योजना के तहत नए उद्यम स्थापना व पूर्व में स्थापित उद्यमों के विस्तार के लिए 10 करोड़ तक का ऋण 5 से 8% ब्याज अनुदान पर दिया जाएगा, तो इस योजना के तहत। अगला है ब्रिटिश संसद में कितने राजस्थानी व्यक्तियों को भारत गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया था, 6 व्यक्तियों को। देखिए इसमें 6 व्यक्तियां कौन कौन सी थी, तो नरेश पुरी महाराज हैं, मेहंदीपुर बालाजी के महंत हैं, अमित लाठ मूलत भीलवाड़ा के रहने वाले और फिलहाल पोलैंड में रहने वाले का यूक्रेन में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने में सबसे बड़ा योगदान था अमित लाठ का, यह शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज में मैनेजिंग पार्टनर है। डॉक्टर संदीप जैन फाउंडर एंडामिनल कैंसर डे सर्जन है ये, गजराज सिंह और राठौड़, सत्यम आहूजा, श्याम सुंदर बजाज, स्टार पैसिफिक कंपनीज लंदन के मालिक है। इन्हें हाल ही में 6 जो हस्ती हैं इन्हें ब्रिटिश संसद में जो है राजस्थानी व्यक्तियों के भारत गौरव अलंकरण सम्मान प्राप्त किया था।
अगला है, हाल ही में चर्चित किस जिले के रविंद्र बिश्नोई ने तीन आविष्कारों का पेंटेट अपने नाम करवाया है, तो वह है जैसलमेर। जैसलमेर जिले के हैं ये। जैसलमेर के रविंद्र ने 21 साल की उम्र में ही तीन आविष्कार का पेंटेट अपने नाम करवा जिले का गौरव बढ़ाया है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर दिल्ली के प्रगति मैदान में कार्यशाला में स्कूल टू स्टार्टअप के तहत रविंद्र ने हॉर्न जेमर आविष्कार के मॉडल को रिप्रेजेंट किया है। अगला है, रेलवे मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल एक्स एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाने की मंजूरी दी है, वह है उदयपुर रेलवे स्टेशन। देखिए, राजस्थान का उदयपुर रेलवे स्टेशन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा। इस प्रोजेक्ट में 354 करोड़ रुपए खर्च मंत्रालय ने स्टेशन डिजाइन तैयार किया है। इसका टाइटल है स्मार्ट आउटलुक फॉर द स्मार्ट सिटी ऑफ लेह। ठीक है, और फिसोला जिला आपको पता है उदयपुर में है, तो आप जब भी उदयपुर जाओगे तो वहां पे जितने भी बसें हैं वहां पे आपको लेक पैलेस, लेक बस इस प्रकार देखने को मिलेगी। स्टेशन को डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल पर तैयार किया गया है। ये लेक जो है ये वहां पे आपको प्रत्येक दुकान पर, प्रत्येक बसों पर, प्रत्येक गाड़ियों पर देखने को ही मिलेगा। अगला देखिए, किस जिला प्रशासन द्वारा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए नन्नी हमारी शान अभियान चलाया गया, और ये पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। नन्नी हमारी शान अभियान अजमेर के अंदर, याद रखना है आपको। ठीक है, अजमेर जिले में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए नन्नी हमारी शान अभियान चलाया गया है। इसके तहत नवजात शिशुओं को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों में लेबर रूम और आपातकालीन सेवाओं में सुधार किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में एकमात्र किस जिले में चलने वाली नेरो गेज यानी छोटी लाइन ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया, तो वह धौलपुर में इसको बंद कर दिया गया है। अगला है, राजस्थान के किस जिले में सिंचाई प्रणाली की नहरों के संपूर्ण नेटवर्क के बारे में रियल टाइम की जानकारी रखने के लिए ई नहर ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, वो है हनुमानगढ़ जिले में। लेकिन हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने सिंचाई प्रणाली की नहरों के संपूर्ण नेटवर्क के बारे में रियल टाइम की जानकारी जिले के किसानों तक पहुंचाने के लिए ई विनियमन कंप्यूटरीकरण प्रणाली परियोजना शुरू की गई है। इसके तहत यह एप्लीकेशन विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी तीनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसे NIC ने तैयार किया है। बहुत ही बड़ी बात है, जो भी युवा आ रहे हैं, कलेक्टर आ रहे हैं, उन्हें बहुत जो है किसानों के लिए काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ न कुछ देंगे आने वाली जो पीढ़ी है। अगला देखिए, राजस्थान के किस पुलिस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया, वो थे कृष्ण पाल यादव। याद कर लेना, ये राजस्थान के पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया, कृष्ण लाल यादव। दिल्ली पुलिस में सहायक पुलिस महानिरीक्षक कृष्ण पाल यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया है। यादव को राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा 21 जनवरी 2022 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया। यादव मुंडावर के फुलमाना खुर्द के रहने वाले थे। यादव फिलहाल SPG में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात है। इन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया, कृष्ण पाल यादव। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन दो जिलों में सैटेलाइट चिकित्सा खोलने की घोषणा की है, वो है जयपुर और चित्तौड़गढ़। जयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर सैटेलाइट चिकित्सा खोलने की घोषणा की है। जयपुर के करबला क्षेत्र, हवा महल और चित्तौड़गढ़ में सैटेलाइट चिकित्सा खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में यह चिकित्सा खोले जाने की स्वीकृति दी है। अगला है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वर्गीय नाथुराम मेड़ता की प्रतिमा का अनावरण कहाँ से किया, मेड़ता सिटी नागौर से किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नागौर के मेड़ता सिटी में स्वर्गीय नाथुराम मेड़ता की प्रतिमा का अनावरण किया है, मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। अगला है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत केंद्रीय रेल मंत्रालय ने राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद बिक्री शुरू की है, तो 36 रेलवे स्टेशन पर। और ये योजना याद रखना आपको, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना है। ये किस से संबंधित है, तो रेल मंत्रालय से संबंधित है, क्योंकि आजकल प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं, या कितने जो है स्टेशन पर किसकी शिकायत की गई है। देखिए, मुख्य तथ्य की हम बात करते हैं, राजस्थान के 36 स्टेशन पर
एक स्टेशन एक उत्पाद बिक्री। केंद्र रेल मंत्रालय ने भारत सरकार के वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है। ये याद रखना, इसको कहते हैं OSP, ठीक है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना है, योजना है ये। पायलट योजना मार्च को शुरू की गई थी। मई 2023 में पूरे देश के 21 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 785 OSP केंद्रों के साथ 728 स्टेशनों को शामिल किया गया। राजस्थान के कुल 36 स्टेशन पर ये केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिन पर लकड़ी के हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने, संगमरमर पत्थर की वस्तु, बहुरंगी कपड़ा, हस्तशिल्प उत्पाद बिक्री हेतु उत्पाद उपलब्ध होगा। तो ये योजना आपको याद रखनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का संबंध किससे है। एक तो है रेल मंत्रालय से, कितने जो राजस्थान के रेलवे स्टेशन इसमें शामिल किए गए हैं, 36 रेलवे स्टेशन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अगला है पेरा एशियन गेम्स वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रदेश के किन दो खिलाड़ियों को भारतीय टीम में चयन व मोस्ट कर लेना। श्याम सुंदर और धन्ना राम का, दो खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन हुआ किसके अंदर, पेरा एशियन गेम वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में। कहते हैं यूरोप के चेक गणराज्य में 13 से 21 मई तक आयोजित होने वाली पेरा एशियन गेम्स वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए बीकानेर के हैं श्याम सुंदर स्वामी और धन्ना राम गुदारा का चयन भारतीय टीम में हुआ। दोनों ही बीकानेर के हैं। भारतीय टीम के कोच हैं बीकानेर के ही अनिल जोशी होंगे, और श्याम सुंदर स्वामी कंपाउंड कैटेगरी में तथा धन्ना राम गोदारा है रिकवर कैटेगरी में हिस्सा लेंगे। अलग अलग कैटेगरी है की, और बीकानेर के ही कोच है कौन है, अनिल जोशी, ये याद रखना है आपको। अगला है राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किन 4 जिलों के चिकित्सालयों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है। तो चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर और झुंझुनू, ये याद रखना आपको, ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर और झुंझुनू। राज्य सरकार प्रदेश के 4 जिलों के चिकित्सालयों में ब्लड बैंक खोलेगी। चित्तौड़गढ़ भेंगू, हनुमानगढ़ के नोहर में, नागौर के जायल स्थित उप जिला चिकित्सालय और झुंझुनू के नवलगढ़ स्थित जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक की स्थापना होगी। अगला है 12 मई 2023 को जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो 565वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। 12 मई 2023 को जोधपुर शहर का 565वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना 12 मई 1969 को राव जोधा ने की थी, आपको पता ही है। अगला है राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्य जनों को मिलने वाली पेंशन राशि प्रतिमाह बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है। तो 2500 रुपये, ठीक है, कितनी बढ़ा दी है, 2500 रुपये है क्या ये। तो कुष्ठ रोग से मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन मिलती थी उन्हें 2500 रुपये। राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन राशि में वृद्धि की है। अब उन्हें प्रतिमाह 2500 रुपये पेंशन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। वर्तमान में प्रदेश में 16,800 कुष्ठ रोग मुक्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर है, जिन्हें 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि दी जा रही थी, जिसे बढ़ाकर अब 2500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। बढ़ी हुई पेंशन राशि 1 मई से देय होगी। यह राशि 1 जून से मिलेगी। मुख्यमंत्री द्वारा 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई है। ये मोस्ट कर लेना क्वेश्चन, क्या कर लेना, मोस्ट कर लेना इसको। आगे है जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव में कला रत्न नृत्य सृजन पुरस्कार किसे दिया गया। तो पद्मश्री गुलाबों सपेरों को दिया गया। क्या दिया गया था, राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव में कला रत्न नृत्य सृजन पुरस्कार पद्मश्री गुलाबों सपेरा को। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के राजस्थान चैप्टर द्वारा जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव के प्रथम संस्करण का आयोजन हुआ। कॉन्क्लेव के दौरान प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड समारोह का भी आयोजित किया गया। इसमें निम्न हस्तियों को लाइफ टाइम अवार्ड प्रदान किया गया। देखिए, कला रत्न नृत्य सृजन पुरस्कार पद्मश्री गुलाबो स्पेरा को, कला रत्न शिल्प सृजन पुरस्कार हनीफ उस्ता को बीकानेर के हैं, पर्यटन रत्न उत्कर्ष नेतृत्व पुरस्कार भीम सिंह को, इनको क्या मिला है, लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। और जो कला रत्न नृत्य सृजन पुरस्कार है वो है पद्मश्री गुलाबो स्पेरो को मिला है, वो राजस्थान में डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक कॉन्क्लेव में कला रत्न पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। अगला है राज्य के किस संस्थान में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित आयुर्वेदिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी COI का
उद्घाटन किया गया, तो आईआईटी जोधपुर के द्वारा किया गया। आईआईटी जोधपुर में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आयुर्वेदिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया। सीओआई आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी के स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में स्थापित किया गया। इस केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य लोगों को बीमारी के उपचार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा एग्जैक्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाना। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल स्वास्थ्य, एआईआर, बहुओमिक्स प्रौद्योगिकियों का एक साथ उपयोग करके साक्ष्य आधारित आयुर्वेद से समाधानों को खोजने पर कार्य किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आईआईटी जोधपुर के द्वारा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार कार्यकलाप पुरस्कारों के तहत किस जिले के अस्पताल को इको फ्रेंडली श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है? तो राजसमंद जिले के अस्पताल को इको फ्रेंडली श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। राजसमंद के आर के जिला अस्पताल को इको फ्रेंडली श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार से नवाजा जाएगा। राज्य सरकार कायाकल्प पुरस्कारों के तहत झुंझुनू के राजकीय पीटी के अस्पताल ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाला कायाकल्प अवार्ड हासिल किया है। कायाकल्प अवार्ड के लिए 8 विमान तय किए गए थे। इन 8 विमानों में अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई, बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण, इन्फेक्शन कंट्रोल, मरीजों के लिए अन्य सुविधाएं, हाइजीन प्रमोशन जिसमें स्टाफ की ट्रेनिंग भी शामिल होगी, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 15 मई 2015 को एक राष्ट्रीय पहल कार्यक्रम कायाकल्प शुरू की है। तो ये आपको याद रखना है, इको फ्रेंडली श्रेणी आ जाए तो राजसमंद जिले से आपको समझ रखना है। देखिए, प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन लेजर द्वारा जारी भारत की 10 बेस्ट लोकेशन की सूची में राजस्थान के किस शहर को चौथा स्थान मिला है? उदयपुर शहर को क्या मिला है? चौथा स्थान मिला है इसके अंदर। अगला है, मलेशिया में राजस्थान की किस संस्था को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से सम्मानित पक्का प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना है, आपको सीधा पूछा जा सकता है कि राजस्थान की संस्था को द गोल्डन ग्लोबल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान आवासन मंडल, इस पर अगर आपको दिया जा सकता है तो नोट कर लेना। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ओर से जयपुर में बनाए सिटी पार्क और कोचिंग हब को लेकर 2 अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। मलेशिया में बोर्ड को वर्ल्ड एचआरडी काउंसिल के निर्णायक मंडल ने बेस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट और बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। अगला देखिए, हम बूस्टर डोज की बात करते हैं, राजस्थान आवासन मंडल की हमने 2-3 बार पहले बात कर ली है। तो राजस्थान राष्ट्रीय मंडल की बात करें तो इसकी स्थापना फरवरी 1970 में होती है। ये तो आपका रटा क्वेश्चन हो जाएगा। वर्तमान चेयरमैन है पवन अरोड़ा। पिछले 4 सालों में मंडल को कुल 17 अवार्ड मिल चुके हैं। इनमें मकान बेचने में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, स्कोच अवार्ड 2021, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिलिंग द्वारा सम्मान, नेशनल हाउसिंग अवार्ड आईबीसी और स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड और नरेडको द्वारा दिए गए रियल एस्टेट कॉन्क्लेव जैसे प्रतिष्ठित जो अवार्ड मिल चुके हैं राजस्थान आवासन मंडल को। ठीक है, अगला है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 का देवीलाल सामर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर अजय अनुरागी को प्रदान किया गया है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा। अब याद रखना है कि ये राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे है? उदयपुर में है। 2022-23 का देवीलाल सामर को पुरस्कार दिया गया, तो डॉक्टर अजय अनुरागी को। नाट्य कृति है इनकी राग नंबर के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 का देवीलाल सामर पुरस्कार जयपुर के लेखक हैं डॉक्टर अजय अनुरागी को दिया जाएगा। मधु आचार्य की बात करें तो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार पद्य बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार को उनकी पुस्तक है पीढ़ आड़ी पाड़ पर दिया गया। मीरा पुरस्कार की बात करें जयपुर की रति सक्सेना को कविता इनकी है हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया। चंद्र प्रकाश देवल की बात करें तो जनार्दन राय नागर सम्मान वर्ष 2022-23 में दिया गया था, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किस श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर को सम्मानित किया गया? तो वनिता शेखावत को।
श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर के रूप में राज्य स्तर पर आयोजित प्रोग्राम विनीता शेखावत को फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड से सम्मानित किया गया। विश्व भर में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना आपको। साल 2023 की थीम ओवर नर्सेस ओवर फ्यूचर, यानी हमारी नर्सें हमारा भविष्य तय की गई है। अगला है, राजस्थान की किस नहर परियोजना को लेकर चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है? वह पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की 13 जिलों में आवश्यकता को लेकर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री मूवी चंबल की चिट्ठी का प्रदर्शन पूर्वी राजस्थान के सिनेमाघरों में होगा। चंबल की चिट्ठी की लॉन्चिंग 3 मई को जयपुर के ईपी मिराज सिनेमा में मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जल पुरुष राजेंद्र सिंह और अभिनेत्री युविका चौधरी ने की थी। तो ये आपको याद रखना है, चंबल की चिट्ठी किस नहर से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी नहर, पूर्वी राजस्थान नहर से संबंधित। अगला है, वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी? 13 जिलों में की जाएगी फ्रांस के सहयोग से। वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के 13 जिलों में 1693 करोड़ की राजस्थान मानविकी व जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी। राज्य सरकार और फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के मध्य समझौता हुआ है। इनमें फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी 70% और राज्य सरकार क्या है 30% वहन करेगी। परियोजना में शामिल सम्मिलित जिले हैं भरतपुर, टोंक, कोटा, अलवर, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़ और करौली और सवाईमाधोपुर, ये 13 जिले इसके अंदर शामिल होंगे। आगे बात करेंगे, राजस्थान नाम से वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ पौधे तैयार कर वितरण किए जाएंगे। वर्ष 2023-24 में विभिन्न विभागीय योजनाओं में 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र का वृक्षारोपण कराया जाएगा। राज्य के प्रत्येक जिले में एक लघु पुष्प वाटिका विकसित की जा रही है तथा वर्ष 2023-24 में हर जिले में एक एक लघु पुष्प वाटिका बनाई जाएगी। अगला है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में व्यास मेडिसिटी का जो है लोकार्पण किया है? तो वह है जोधपुर के अंदर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में लोक रंजन मेले का उद्घाटन करने के दौरान जोधपुर में व्यास मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। अगला है, 2020-21 अप्रैल 2023 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मिलेटिस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो काजरी जोधपुर के अंदर। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मिलेटिस महोत्सव का आयोजन काजरी संस्थान जोधपुर में 20-21 अप्रैल 2023 को किया गया। महोत्सव में मोटे अनाज से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। देखिए, इसमें बूस्टर डोज की बात करें तो मिलेटिस कॉन्क्लेव अंतर्राष्ट्रीय मिलेटिस वर्ष के तहत राज्य में 13 और 14 मार्च 2023 को राजस्थान मिलेटिस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। आयोजन जयपुर स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा में हुआ। राजस्थान में मिलेटिस कॉन्क्लेव में राज किसान सुविधा एप लॉन्च किया गया है। अगला है, केंद्रीय जल शक्ति संसाधन मंत्रालय द्वारा किस जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बावड़ी को जल के लिए नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये जोधपुर। ठीक है, राजस्थान के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल है बावड़ी को जल के लिए नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह स्कूल देश भर में तीसरे स्थान पर रही। इसके लिए प्रदेश की 6,000 स्कूलों ने भागीदारी निभाई, जिससे एकमात्र बावड़ी स्कूल ही चयनित हुई। केंद्रीय जल शक्ति जल संसाधन नदी विकास व गंगा संरक्षण विभाग की ओर से स्कूल को 1 लाख रुपए और प्रिंसिपल डॉक्टर शीला असोपा को बेस्ट इनोवेशन का सर्टिफिकेट भी दिया है। अगला है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? बीट्स पिलानी झुंझुनू रही है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने साल 2023 रैंकिंग में टॉप 2000 संस्थानों में भारत के 64 संस्थान भी शामिल है। बीट्स पिलानी वैश्विक स्तर पर 1429, राष्ट्रीय स्तर पर 37 रैंक के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर आया है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी वैश्विक स्तर पर 1899, राष्ट्रीय स्तर पर 58 रैंक के साथ प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। IIM अहमदाबाद 419वें ग्लोबल रैंक के साथ देश में पहले स्थान पर। IIS बेंगलुरु 497 रैंक के साथ दूसरे स्थान पर। दूसरे IIT बॉम्बे की रैंक 454 के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। आगे बात करेंगे, गुवाहाटी में आयोजित ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो अमित जांगिड़ ने।
ठीक है, गुवाहाटी में आयोजित ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के अमित जांगिड़ ने कांस्य पदक जीता। अमित शर्मा की बात करें, भरतपुर के अमित शर्मा ने जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हर्ष चौधरी की बात करें तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी किया है। अगला है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में राजस्थान का स्कोर कितना रखा गया? तो 60 से अधिक रखा गया था राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें राजस्थान को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के साथ 60 से अधिक स्कोर में शामिल किया गया है। सूचकांक में वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ऊर्जा दक्षता क्रियान्वयन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक प्रगति का आकलन भी पेश किया गया है। अगला है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता व संप्रेक्षण कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई की गई थी? 20 मार्च 2023। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता तथा संप्रेक्षण कौशल विकास योजना का शुभारंभ अल्पसंख्यक मामला मंत्री सालेह मोहम्मद द्वारा 20 मार्च 2023 को किया गया। पात्रता, लाभार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष, परिवार की वार्षिक आय 80 लाख तक या इससे कम होनी चाहिए। उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी, स्पेनिश, फारसी, अन्य विदेशी भाषाओं को अध्ययन, बोलना, संप्रेषण कौशल विकसित कर रोजगार प्राप्त में सहयोग करना। अगला है, मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 20 मार्च 2023 को। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ 20 मार्च 2023 योजना के तहत राज्य सरकार आवागमन में असमर्थ लाभार्थियों को चिन्हित कर उनसे संपर्क करेगी। चिन्हित व्यक्तियों के पास सेवा प्रदायक को भेजकर उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के दिव्यांग, वृद्ध, विधवा, महिलाओं आदि आश्रित लोगों को जन कल्याणकारी योजना से घर बैठे जोड़ा जा सकेगा। देखिए, बूस्टर डोज जन आधार ई वॉलेट लॉन्च 20 मार्च 2023 को। उद्देश्य इसका था लाभार्थियों को दिए जा रहे नगद राशि तथा गैर नगद राशि के वाउचर्स का भुगतान करना। अब आपको इस योजना का याद रखें, मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 20 मार्च 2023 थे, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, राजस्थान के किस लोकसभा सांसद को केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया? अर्जुन राम मेघवाल को। बीकानेर के हैं ये अर्जुन राम मेघवाल, देख सकते हो ये। और ये राजस्थान के चार संसद केंद्रीय मंत्रियों में शामिल है। एक तो है भूपेंद्र यादव, कैबिनेट मंत्री हैं। पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्री, श्रम व रोजगार मंत्रालय इनके पास। आगे बात करें राजस्थान के, देखिए राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है, उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है। और गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति संसाधन मंत्री है, जोधपुर से लोकसभा सांसद है। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री, संसदीय मामले राज्य मंत्री है, बीकानेर के लोकसभा सांसद है। कैलाश चौधरी है कृषि मंत्री, राज्य मंत्री ये है जैसलमेर बाड़मेर से लोकसभा सांसद है। अगला है, प्रदेश के कला व संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने किस संभाग मुख्यालय पर हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किया है? तो वह बीकानेर के अंदर, बीकानेर में संभाग मुख्यालय पर बनने वाले हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किया, शिलान्यास कला व संस्कृति तथा शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने किया। राज्य सरकार की पहल पर प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर ऐसे सभी संभाग मुख्यालय पर एक जैसे हज हाउस बनाए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं खानू खान बुधवाले, ये भी याद रखना है, ये हज हाउस भी आपको याद रखना है, बीकानेर में बनेगा। अगला है, फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड आंद्रे आंद्रे ड्रेस पॉलम्स अकेडमिक्स किसे प्रदान किया जाएगा? तो R.S. खंगारत को प्रदान किया जाएगा। फ्रांस का ये सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, ये आंड्रे ऑन्ड्रे ड्रेस पॉलम्स अकेडमिक्स, जयपुर के हिस्टोरियन व पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर R.S. खंगारत को फ्रेंच SP फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड आई ड्रेस पॉलम्स अकेडमिक्स देगी। 1808 में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने यह अवार्ड शुरू किया। शुरुआती दौर में यह सम्मान केवल पेरिस यूनिवर्सिटी में शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में बड़ा काम करने के लिए स्कॉलर्स को ही देते थे। 1955 के राष्ट्रपति रीन कमेटी ने दुनिया भर में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने को सुनना शुरू हुआ है। खंगारोत जो है द इविलियम्स फोर्ट इविशिम्बल फोर्ट ओ आमेर आमेर जयपुर ए ड्रीम इन द डेजर्ट स्वाभिमान सिंह द्वितीय की जीवनी पर भी किताबें लिख चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है, खंगारोत जैगड। अगला है, प्रदेश में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस ने किस साथ पर समझौता किया है? टाई राजस्थान के साथ समझौता किया है। प्रदेश में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए
टाई राजस्थान राजस्थान पुलिस के बीच एएमओ किया गया। इस पर टाई प्रेसिडेंट डॉक्टर सिन्नू जंवर व आईजी शरद कविराज ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत एक टेक्निकल कोर ग्रुप की स्थापना की जा रही है, जिसमें पुलिस के विशेषज्ञ अधिकारी, टाई के साइबर विशेषज्ञ शामिल होंगे। टाई राजस्थान के लिए एक अलग से टास्क फोर्स का गठन करेगी। अगला है, प्रदेश में किस खिलाड़ी के नाम पर आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल संवेग प्रत्येक संभाग स्तर पर स्थापित किए जाएंगे? तो सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल के नाम पर। राजस्थान सरकार प्रदेश में खेलों का वातावरण बनाने तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर अहम निर्णय ले सकती है। इसी कड़ी में राज्य के सभी संभागों में सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश के बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर संभाग में सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल में खोले जाएंगे। तो आज के जितने भी मई 2023 के पार्ट नंबर जो हमारा 18 से 24 तक पेज थे, उसका हमने जो है रिवाइज कर लिया है। इसी के साथ जो विद्यार्थी बुक लेना चाहती हैं, अपने जो है पास बुक सेंटर नहीं है और बुक सेंटर के बिना आप मंगाना चाहते हैं, तो डाक के द्वारा हमारे द्वारा सेवा दी जा रही है। स्पेशल आपके 145 रुपये लगेंगे, ठीक है। इसमें आपको नंबर दिए हैं, ये देखिए, 80580 22001। इस नंबर पर आप क्या है, व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करना है आपको, और इसमें आपको पेमेंट पेमेंट के साथ आपको क्या करना है, पूरी डिटेल भरनी है, व्हाट्सएप करना है। नाम और स्थायी पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस का नाम और पेमेंट स्क्रीनशॉट इसमें भेजना है। फिर आपके पास जो है 4 से 6 दिनों के अंदर आपके पास ये बुक पहुंच जाएगी, चाहे आप राजस्थान के किसी भी कोने में बैठे हो। तो ये स्पेशल डाक के द्वारा आपको, ये आपको QR दिया होगा, यहाँ पे आप पे फोन पे करके स्क्रीनशॉट भेज के, पूरी डिटेल भेज के, और आपकी के पास जो आपकी डाक तैयार होगी वो आपके पास स्क्रीनशॉट भेजा जाएगा, ठीक है। उसमें आप देख लेना आपका पता सही लिखा है, उसके बाद आप यस कर देना और आपके पास 4 से 5 दिन के अंदर बुक जो है पहुंच जाएगी, ठीक है। तो बुक आप जरूर लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए और मेरे साथ डेली जुड़िए और रिवाइज करिए, क्योंकि रिवाइज के साथ जो है बार बार क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं तो वो जो है क्वेश्चन याद हो जाते हैं। तो इसी प्रकार डेली जो है लाइव क्लास लें शिक्षक की, 8 बजे आती है, और इसी के साथ आप RS और सूचना सहायक अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास हमारे जो है प्रताप क्लासेस पर आपको डेली जो है मिलती है, तो उसे जरूर ज्वाइन करें। उसी के साथ आपको मंथली और वीकली ये भी जो है लास्ट 3 मंथ लास्ट 6 मंथ की भी क्लास आपको प्रताप क्लासेस पर इंडिया और वर्ल्ड दोनों की मिलती है। इसमें इंडिया भी कवर हो जाएगा, आपको वर्ल्ड भी जो है कवर हो जाएगा। इसी के साथ बात करें, अगर आप जो है इस जून से लेकर जून जनवरी से लेकर जनवरी टू जून की PDF लेना चाहते हैं 2023 की, तो आपको नंबर मैं देता हूँ 84260 85805। चौरासी 260 और 35805 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके आप जो है PDF जो है प्राप्त कर सकते हो, इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। ये सेम आपको यहाँ पे जो बुक में दिया गया वो भी PDF में मिल जाएगा। तो 6 मंथ की अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको फोन पे पर PDF मिल जाएगी। 84260 और 35805 इस नंबर पर जनवरी से जून 2023 तक ओनली मात्र आपके 50 रुपये लगेंगे, ठीक है, पर मंथ 10 रुपये। 50 रुपये में आपको पूरी डिटेल फैक्ट वाइज और क्वेश्चन वाइज मिल जाएगी। तो संपर्क करके आप इस पर PDF ले सकते हैं और इसका प्रिंट निकाल कर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, कल मिलते हैं मई के पार्ट नंबर 3 के साथ।